अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काजिम। सदगुरु की किताब कर्मा में एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे मिली। एक दिन तीन आदमी एक जगह के ऊपर काम कर रहे थे। एक राहगीर आया और पहले आदमी से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? आदमी ने ऊपर देखा और कहा, अरे क्या आप अंधे हैं? क्या आप नहीं देख सकते कि मैं पत्थर काट रहा हूँ? राहगीर दूसरे आदमी के पास गया और यही सवाल पूछा, आप क्या समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरे आदमी ने गुस्से से कहा, मैं अपनी रोजी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अपने पेट पालने की जरूरत है। राहगीर तीसरे आदमी के पास गया और दोबारा पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आदमी ने बड़ी खुशी के साथ खड़े होकर कहा, मैं एक शानदार इबादतगाह बना रहा हूँ। तीनों आदमी एक ही काम कर रहे थे। पहले आदमी के लिए उसका काम सिर्फ और सिर्फ पत्थर काटना था, दूसरे के लिए उसका काम सिर्फ रोजी कमाना, तीसरे आदमी के लिए उसका काम एक खूबसूरत चीज बनाने का एक मौका था जिसकी उसे बहुत गहरी मोहब्बत थी। यही सिलसिला हमारी जिंदगी में भी होता है। हम लोग एक काम कर रहे होते हैं लेकिन देखने की निगाह अलग अलग हुआ करती है। अगर हम अपनी निगाह और अपना जाविया तब्दील कर लें उस काम के लिए, तो उस काम के लिए हमारी दिलचस्पी बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।